नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3, ए ट्रिप टू भोपाल। चैप्टर नंबर 3, ट्रिप टू भोपाल। चिल्ड्रन, हमने ओवरव्यू फर्स्ट वीडियो में देख लिया था, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, ओके। वेटिंग फॉर द बसेस वाला कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर, ओके। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नी बिगिंस, ओके। नाउ लुक एट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 25। द जर्नी बिगिंस, द चिल्ड्रन, हमने जर्नी बिगिंस में ये कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि 9 o'clock को सब निकल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 70 kilometers का रन करना है उनको, फिर वहाँ पे जाने के लिए 2 hours लगेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि पिमपेट का रुकना है कि नहीं रुकना, वो कितने बजे तक पिमपेट का पहुँचेगी, ये सब हमने जाना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये आया था कि नर्मदा रिवर के पास वो पहुँच रहे हैं, बहादुर का ध्यान पड़ रहा है कि वहाँ पे देखिए नर्मदा रिवर है, ठीक है, सब बच्चे बाहर देख रहे हैं, ठीक है। फिर नर्मदा ब्रिज का वो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, ठीक है। देन नेक्स्ट वो सब डिसाइड कर रहे थे कि कितनी लॉन्ग रिवर है, कितना वाइड ब्रिज है, ठीक है। ये सब डिस्कशन चल रही थी, पिकनिक में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें करेंगे, तो ये सब ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिस आशा बोल रही है कि ब्रिज 756.80 meters लॉन्ग है, ठीक है, ये मिस आशा कह रही है, ओके। देन नेक्स्ट विक्टोरिया राइट है कि नहीं, वो हमने चेक कर लिया, ओके। फिर नेक्स्ट क्या था कि हमें इमेजिन करना था, ठीक है। फिर हमने कभी लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है, कितने मीटर का था वो फाइंड करना था, ओके। फिर वाटर लेवल के बारे में बात हो रही थी, मिस्टर राकेश और मिस आशा हमें सब इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। देन लास्ट में हमने यहाँ पे ये डिफरेंस फाइंड आउट किया था, 40 minus 15 किए थे, राइट, ये किया था। फिर यहाँ पे ये ब्लैंक फिलअप की थी, ओके। नाउ हियर लेट्स वी कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 3, अ ट्रिप टू भोपाल। द कॉन्सेप्ट इज जर्नी बिगिंस, ओके, जर्नी शुरू हो गई है और यहाँ पे हम ये जर्नी में आगे भी बढ़ गए, ओके। नाउ हियर लेट्स रीड द सेंटेंसेस। सडनली द बस स्टॉप विथ जर्क, अचानक से क्या होता है, बस स्टॉप हो जाती है विथ अ जर्क मीन्स एकदम झटका लगने से, झटका लगता है और बस बंद हो जाती है, ओके। ओ द पेट्रोल पंप, क्या आ रहा है, पेट्रोल पंप आ रहा है, ठीक है। टू बसेस नीडेड टू रिफिल, यहाँ पे 2 buses को रिफिल करना पड़ रहा है, इट मीन्स के उसमें पेट्रोल भरना पड़ रहा है, ओके। देन नेक्स्ट द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, देखो बस भी लाइन में खड़ी रह रही है, कितनी बसेस ले गए थे, 6 buses, मिनी बसेस ले गए थे, ओके। देन नेक्स्ट Children are sticking their necks out to see how diesel fill in the bus. तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये बस में आपको दिख रहा है, ये बच्चे देखो यहाँ पे कैसे स्टिक हो गए, देखो हो गए बाहर, नेक बाहर रख के वो देख रहे हैं कि बस में डीजल कैसे भरा जाता है, ठीक है। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन लुक मोर क्लोजली, क्या बोल रहे हैं कि कोई कोई चिल्ड्रन तो ऐसे है कि जिनको बहुत इंटरेस्ट पड़ गया है, वो विंडो के बाहर से नहीं दिख रहे, वो डायरेक्टली नीचे ही उतर जा रहे हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, लेट्स सी व्हाट द चिल्ड्रन सेइंग। Hey, it has such a big tummy. It has already taken 100 meters. क्या बोल रहे हैं कि बस का जो टमी है, स्टमक है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी 100 meters तो हमने वहाँ पर डीजल भर लिया है, ठीक।
ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सो वी हैव टू पे 3500 रुपीस फॉर डीजल. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें ये 100 लीटर डीजल पर आए उसके 3500 रुपीस पे करने पड़ेगी. ओके, नाउ इन दिस पिक्चर वी कैन क्लियरली सी हियर दे गिव अस लीटर्स. ओके, देन इन नेक्स्ट दे गिव अस रुपीस. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना लीटर कितने हैं 100 एंड रुपीस कितने हैं 3500. ओके, देन नेक्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन. Each bus takes about 15 minutes to refill and there are two buses to be refilled. So they stop there for about blank minutes, which means they are late by about blank minutes. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बस को refill होने में कितना time लगेगा? Yes, 15 minutes लगेगा. और कितनी buses refill करनी है? Two bus. Okay. तो उनको कितनी देर कितनी मिनट्स तक खड़ा रहना पड़ेगा और वो कितनी मिनट्स लेट हो गए वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ हियर चिल्ड्रन, अगर हम वन बस के लिए 15 मिनट्स रुक रहे हैं तो टू बसेस के लिए कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाई टू. सो आंसर इज 30 मिनट्स. वो 30 मिनट्स बस में रिफ़िल करने में जाएगी और वो 30 मिनट्स लेट हो गए. ओके, तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से भी ये कर सकते हैं सम. ओके, लाइक दिस 15 मिनट्स फॉर वन बस, देन फॉर टू बसेस 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, आंसर 30 मिनट्स. तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई ना करें तो यहाँ पे टू टाइम्स एडिशन करके भी ये सम सॉल्व कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं. ओके, सो हियर नाउ इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट आंसर 3030. 30 मिनट्स लेट हो गए, 30 मिनट्स रिफिल करने में जाएंगे. इन बोथ ब्लैंक यू हैव टू राइट आंसर 30. ओके, नाउ नेक्स्ट लुक एट इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब पिक्चर में देखो, यहाँ पे 100 लीटर की प्राइस दी है डीजल की, तो अब यहाँ पे आपको 1 लीटर डीजल की प्राइस फाइंड आउट करनी है. ठीक है चिल्ड्रन, इफ 100 लीटर पेट्रोल फॉर रुपीज 5050, यहाँ पे आपको बुक में दिया है 3050. ओके, कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं 100 मीटर के लिए. ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि 1 लीटर की प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 5500 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे. ठीक है, कट वाली मेथड करेंगे, बोथ ज़ीरो कट. सो हियर रिमेन ओनली 55. सो 55 इज़ द आंसर एंड हियर वी कैन डू द सिंपल डिवीज़न मेथड ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे आपकी बुक में 3500 ऐसा दिया है ना. ठीक है, हमने ये देखा था. ओके, तो 3500 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं. ठीक है, कट वाले मेथड 0000 कट, आंसर 35. ओके, तो जिनकी बुक में यहाँ पे 100 लीटर की प्राइस 3500 दी है वो यहाँ पे 1 लीटर की प्राइस 3500 राइट करेंगे. ओके, एंड जिनकी बुक में यहाँ पे 5500 प्राइस दी है वो चिल्ड्रन यहाँ पे 55 आंसर राइट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप. तो क्या करें, थोड़े बच्चे होते हैं उसको टॉयलेट जाना होता है, फ्रेश होना होता है. ठीक है, तो वो सब रिफिल हो जाती है बस और जाते हैं पेट्रोल पंप के पास, वहाँ टॉयलेट होता है वहाँ पे. ठीक है, नाउ हियर दे आस्किंग अस वन क्वेश्चन, लेट्स रीड. हाउ मच टाइम डीड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अमन कितना टाइम लगाएगा टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए. तो यहाँ पे देखो ये लड़की क्या बोल रही है, अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बसेस इज टेकिंग टू रिफिल.
तो अमर कितना टाइम लगाएगा टॉयलेट में? तो क्या बोल रही है ये गर्ल हंसते हंसते? देखो ये कितनी फनी गर्ल लग रही है। तो ये हंसते हंसते क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि अमन कितना टाइम लेगा, जितना एक बस में डीजल रिफिल करने के लिए टाइम लगता है उतना टाइम अमन टॉयलेट में लगाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक बस रिफिल करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे अमन कितना टाइम लगाएगा? 15 मिनट्स। ओके, नाउ हियर द जर्नी बिगिंस, कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ टू भीमबेटका। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके चिल्ड्रन, आप घर पे रिवाइज करना, ठीक है? मैं जितना वीडियो में आपको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, वो सब आप घर पे बैठ के रिवाइज करेंगे, ठीक है? और टेक्स्ट बुक भी फिलअप करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।